वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलना सीखेंगे। यदि आपको वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता तो यह वीडियो पूरा देखें। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलना आ जाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने से पहले वॉशिंग मशीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी वॉशिंग मशीन हो, इसमें इस तरह के दो खाने होते हैं। आप देख सकते हैं, एक खाना बड़ा होता है जो हमारा कपड़ा धुलने के लिए काम आता है, और दूसरा खाना छोटा होता है, इसमें कपड़े को सुखाया जाता है। एक बार फिर क्लियर कर लीजिए, ये जो बड़ा खाना होता है इसमें कपड़ा धुलने के लिए होता है, और ये जो छोटा खाना होता है इसमें कपड़े को सुखाने के लिए होता है। इसके साथ साथ आप किसी भी मशीन में देखेंगी तो आपको इसी तरह से तीन बटने मिलेंगी वॉशिंग मशीन में। सबसे पहली बटन जो होती है ये कपड़ा धुलने और खंगालने के लिए होती है। ये जो दूसरी बटन होती है ये वॉशिंग मशीन के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए होती है। ये जो तीसरी बटन होती है ये कपड़े को सुखाने के लिए होती है। एक बटन ये होती है, ये यहाँ पर भी हो सकती है, नहीं तो किसी किसी वॉशिंग मशीन में यहाँ पर भी होती है। इस तरह से बटन होती है, इसे हम ऐसे इधर करके वॉशिंग मशीन के गंदगी को निकाल सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन की सफाई करने के लिए होती है। और वॉशिंग मशीन में एक यहाँ पर छोटा सा होल होता है जिसमें हम पाइप लगाते हैं। पाइप हमें वॉशिंग मशीन के साथ मिलती है। इसमें पाइप लगा के एक सिरा पाइप का इसमें डालेंगे और दूसरा मोटा वाला सिरा वो टोटी में लगा देंगे, तब इससे पानी अंदर जाता है। ये पाइप हमें वॉशिंग मशीन के साथ मिली होती है। ये जो पतला वाला सिरा होता है इसे हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और ये जो मोटा वाला सिरा होता है इसे हम टोटी में लगा देंगे। चलिए हम कपड़ा धुलना स्टार्ट करते हैं। कपड़ा धुलने के लिए सबसे पहले हम टोटी को ऑन कर देंगे जिससे हमारा पानी वॉशिंग मशीन में जाए। आप देख सकते हैं यह पानी हमारा गिर रहा है। इसी तरह से पानी को थोड़ा बहुत जितना आपको ज़रूरत हो उतना जाने दें। यदि हमारा कपड़ा ज़्यादा हो तो यहाँ तक पानी हम भर लेंगे, नहीं तो अगर थोड़ा कपड़ा हो तो हमें यहाँ तक का पानी भरना है, यहाँ इस निशान तक पानी भरना है। आप वीडियो में बने रहिए, यहाँ तक पानी भर जाएगा इस निशान तक, तब हम कपड़ा धुलना शुरू करेंगे। दोस्तों, जब तक इसमें पानी भर रहा है तब तक हम इसके प्लग को तार को लगा के सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका प्लग है, ये प्लग इसके साथ लगा रहता है। अब हम इसे पावर प्लग में लगा देंगे, बोर्ड में लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद पानी भर जाए तब हम कपड़ा धुलना स्टार्ट करेंगे। हमारा पानी भर चुका है यहाँ निशान तक, अब हम टोटी को बंद कर देंगे जिससे हमारा पानी और ना आए अंदर। आप देख सकते हैं टोटी बंद करने के बाद पानी आना बंद हो चुका है। अब हम कपड़ा धुलना स्टार्ट करेंगे। कपड़ा धुलने के लिए सबसे पहले हम पानी में निरमा डालेंगे। हम आवश्यकता अनुसार इसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे। हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं धुलना है इसलिए हम ज़्यादा निरमा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें वॉशिंग पाउडर को डाल देंगे, और ध्यान रखें जब वॉशिंग मशीन चालू कर दें तो उसमें हाथ ना डालें। अब हम इसमें हम वॉशिंग पाउडर को डाल दिया, अब हम इसमें कपड़े को भी डाल देंगे। हम कपड़े को भी डाल देंगे इस तरह से। कपड़ा धुलने के लिए हम डाल दिए, आप चाहे तो दबा भी सकती हैं, नहीं तो नहीं दबाएं, वो भीग जाएगा अपने आप से। और कपड़ा धुलने से पहले एक जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये जो बटन है इस ये अभी ऑफ है, ये देख सकते हैं ऑफ की तरफ छोटी सी बिंदी बनी है। हम इसे जब चालू करेंगे तो आप में
हमें इसे 15 पे कर देना है। उसके बाद हम जब चालू करेंगे तो ये घूमते घूमते अपने आप आके ऑफ पे बंद हो जाएगा। ये जो बटन है ये अभी ऑफ है और ये आप देख सकते हैं नंबर बना है 3, 6, 9, 12, 15। इसका मतलब है कि 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। आप 6 पे कर देंगे तो 6 मिनट बाद मशीन ऑफ हो जाएगी और हॉर्न देने लगेगी, तब आपको बटन बंद करना पड़ेगा। हम जब कपड़ा धुलेंगे, जैसे हमारा कपड़ा जब ज़्यादा नहीं गंदा, 15 मिनट पे ला के ऑन कर देंगे। उसके बाद ये घूमते 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 ऑफ पे आ जाएगी, तब आपको हारने देगी, तब आपको बटन बंद करना पड़ेगा। जब ज़्यादा कपड़ा गंदा ना हो तो एक ही बार चलाएं, और जब कपड़ा ज़्यादा गंदा हो तो उसमें वाशिंग पाउडर ज़्यादा डालना पड़ेगा, और उसके बाद इसको 3 बार चलाएं। 3 बार चल के ये बंद हो जाएगा तो आपका कपड़ा एकदम अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। चलिए हम धुलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बटन को ऑन कर देंगे, उसके बाद हम इस बटन को ऑन कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मशीन हमारी चलेगी। अब हमें ढक्कन को बंद कर देना है, हमें ढक्कन को इस तरह से बंद कर देना है। जब ये बटन यहाँ पर पहुँचेगी आप पे, तब ये हॉर्न देगी, तब हम मशीन को बंद करके कपड़े को निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा बटन धीरे धीरे घूमता हुआ आ रहा है ऑफ की तरफ। जैसे ही ये ऑफ पे पहुँचेगा तब ये हॉर्न देने लगेगा, तब आपको बंद करना पड़ेगा मशीन को। आप देख सकते हैं ये बटन हमारा घूमते घूमते 3 पर पहुंच चुका है। 3 मिनट बाद ये ऑफ पे पहुंच जाएगा, तब मशीन हमारा हॉर्न देगी। आप देख सकते हैं ये हमारा बटन घूमते घूमते ऑफ तक पहुंचने वाला है। जब ये ऑफ पे पहुंच जाएगा तब ये हॉर्न ऑफ पे पहुंच चुका है, ये हमारा बटन हॉर्न दे रहा है मशीन। अब हम इसे ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी मशीन की बटन ऑफ तक पहुंच चुकी है। अब हमारा कपड़ा धुल चुका है। यदि हमारा कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो इसे हम 3 बार ऑन करके छोड़ देंगे। एक बार ये बंद हो चुकी है, हम उसे फिर से दोबारा यहाँ पे बटन ला के ऑन कर देंगे। अब उसके बाद फिर तीसरी बार फिर ला के कर देंगे, तो तीसरी बार जब बंद हो जाएगा तो हमारा कपड़ा अच्छे से धुल चुका होगा। और यदि हमारा कपड़ा ज़्यादा नहीं गंदा है तो एक ही बार में साफ हो जाएगा। अब हम चलिए कपड़े को निकालते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से साफ हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा पानी कितना गंदा हो चुका है। अब हम इस गंदे पानी को बाहर निकालेंगे। गंदे पानी निकालने के लिए यहाँ पे एक पाइप लगी होती है, जिसे हमें निकाल के पहले इसे नीचे गिरा देना है। इस तरह से हमें नीचे गिरा देना है। उसके बाद ये जो बटन है दूसरी वाली ड्रेन, इससे पानी बाहर निकलता है गंदा, इसे हम ऑन कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा गंदा पानी बाहर निकल रहा है। आप इसमें भी देख सकते हैं धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। अब हम इसमें पूरा पानी निकलने देंगे, उसके बाद हम इसे धुल कर फिर से दोबारा इसमें पानी भरेंगे, तब कपड़े को खंगालेंगे। आप देख सकते हैं पानी हमारा निकल चुका है। इसका जो फेना है, गांज है, वो अंदर अभी है। इसमें हम पानी डाल के इसे साफ कर लेंगे, गांज को पूरा बाहर कर देंगे। हम टोटी को ऑन कर देंगे और ये पानी अंदर जाएगा। हमें इस तरह से इसे साफ कर लेना है वॉशिंग मशीन को। Thank you.
आप देख सकते हैं ये हमारी वॉशिंग मशीन साफ़ हो चुकी है, इसका पानी पूरा निकल चुका है। अब हम ड्रेन बटन को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, जिससे पानी हम दोबारा जब भरें तो वो मशीन में ही गिरे। अब हम टोटी को ऑन करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भर लेंगे। पानी हम आवश्यकता अनुसार भरेंगे, जितना खंगालने में पानी लगे उतना ही पानी हमें भरना है इसमें। आप देख सकते हैं आवश्यकता अनुसार हमारा पानी भर चुका है। अब हम टोटी को बंद कर देंगे। हमने टोटी को बंद कर दिया, अब यहाँ से पानी आना बंद हो गया। अब हम कपड़े को इसमें डाल देंगे और बटन को ऑन कर देंगे 3-6 मिनट तक, और ढक्कन को हमें बंद कर देना है। ढक्कन हमें बंद कर देना है। ध्यान रहे कि वॉशिंग मशीन चलते समय उसमें हाथ ना डालें, जब वॉशिंग मशीन अच्छे से बंद हो जाए तब उसमें हाथ डालें। आप देख सकते हैं ये हमारी बटन आप पर पहुंचने वाली है। अब हमारा कपड़ा खंगल चुका है। ये आप पर पहुंच चुकी है, अब हम इसे बंद कर देंगे और उसके बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा कपड़ा अच्छे से खंगाला नहीं है। हम इसमें चाहे फिर से पानी भर के खंगालें या साफ पानी से बाहर खंगाल लें। हम दोबारा ये बटन ऑन करके पानी को बाहर निकाल देंगे। चलिए हम इस धुले हुए कपड़े को सुखाना शुरू करते हैं। सुखाने के लिए हमने ये छोटा वाला खाना खोला और इसके ढक्कन को खोल देंगे। उसके बाद इसमें जो कपड़े हमें सुखाना है उसे डाल देंगे। उसके बाद हम इसको ढक्कन को बंद कर देंगे और ध्यान रहे दोनों ढक्कन बंद करना है, नहीं तो ये वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी। दोनों ढक्कन को बंद कर देना है और इसे हमें छूना नहीं है, और ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से करेगा तो आप डरिएगा मत। चलिए हम इसे ऑन करते हैं। जिस तरह से धुलने वाला बटन ऑफ होता है ऑन होता है, उसी तरह से ये भी ऑन ऑफ होगा। ये 5 मिनट के लिए है तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा कपड़ा सुखा रहा है। जब हमारे कपड़े का पूरा पानी निचोड़ लेगा तो उसके बाद बटन आके ऑफ पे ऑटोमेटिक हारने देगा। आप देख सकते हैं ये हमारा बटन घूमते घूमते 3 पर पहुंचने वाला है। ऐसे ये घूमकर ऑफ तक पहुंच जाएगा। जब ये पूरा कपड़ा अच्छे से निचोड़ लेगा तो ये बटन ऑफ पे जाके अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके पहले हम आपको एक बात बताते हैं, इसमें जब सूती या कोई और कपड़ा डालेंगे तो उसके लिए ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगी, और जब ज़्यादा कपड़ा या फिर कोई तेरी काट कोई कपड़ा डालेंगे तो उसके लिए ये खट 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 की आवाज़ करेगी, तो उसमें डरना नहीं है। ये कपड़ा सुखाते समय होता है। आप देख सकते हैं ये बटन हमारा आप पे पहुंचने वाला है, तब तक ये आप हो जाएगा। जब अच्छे से कपड़ा निचोड़ लेगा तब ये आप हो जाएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं ये हमारा मशीन ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब कपड़ा अच्छे से सूख चुका है। मशीन जब अच्छे से बंद हो जाए तभी इसे खोलेंगे। जब कपड़े का पानी अच्छे से निचोड़ लेगा तब मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब हम कपड़े इसको खोलते हैं ढक्कन को और कपड़े को निकालते हैं। आप देख सकते हैं कपड़ा हमारा बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसी तरह से आप भी मशीन चलाएं, मशीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको मशीन चलाना आया या नहीं। कोई भी परेशानी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।